नमस्कार, मैं हूं सुनीता और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारतीय क्रिकेट टीम के दो स्टार प्लेयर्स की मौज मस्ती के बारे में, जो कि बॉलीवुड के बिग बी यानी कि अमिताभ बच्चन के साथ हंसी ठहाके लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल डीएनपी इंडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि समय समय पर आपको ऐसी ही और अमेजिंग वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग को उनके मस्त मौला अंदाज के लिए जाना जाता है। हाल ही में वीरेंद्र सहवाग और बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली को कौन बनेगा करोड़पति के 13वें सीजन में देखा गया, जिसका एक प्रोमो वीडियो काफी वायरल हो रहा है। दरअसल सहवाग और गांगुली की जोड़ी केबीसी 13 के शानदार शुक्रवार एपिसोड में पहुंची थी, जहां शो के होस्ट और बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन को दोनों से काफी मजाकिया सवाल पूछते देखा गया। वीरेंद्र सहवाग और सौरव गांगुली को शानदार शुक्रवार के स्पेशल शो कर्मवीर में बुलाया गया था और इस एपिसोड का प्रसारण शुक्रवार 3 सितंबर को किया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि शो के दौरान अमिताभ बच्चन ने वीरेंद्र सहवाग से पूछा कि अगर आप पाकिस्तान के खिलाफ मैच जीत जाते हैं तो आपका रिएक्शन क्या होगा। इस पर सहवाग ने जवाब दिया कि आपकी फिल्म शहंशाह का एक प्रसिद्ध डायलॉग। इसके बाद अमिताभ बच्चन ने डायलॉग बोलते हुए कहा कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। अमिताभ बच्चन के इतना कह देने के साथ ही वीरों ने तुरंत मजाकिया अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि बाप तो हम उनके हैं ही। सहवाग के ऐसा कहने के साथ ही सौरव गांगुली और अमिताभ बच्चन जोर से हंसने लगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं एक और वाक्य। क्रिकेट को काफी करीब से फॉलो करने वाला हर वो शख्स ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि वीरेंद्र सहवाग हमेशा बल्लेबाजी करते समय गाने गुनगुनाया करते थे। जब अमिताभ बच्चन को इस बात का पता चला तो उन्होंने सहवाग से पूछा कि हमने सुना है कि आप बैटिंग करते समय गाना गाया करते थे। वीरेंद्र सहवाग ने इसका जवाब भी गाने के अंदाज में ही दिया और कहा कि चला जाता हूँ किसी की धुन में। चैपल के नाम पर गांगुली को भी अमिताभ बच्चन ने छेड़ा। दोस्तों, शो के दौरान अमिताभ बच्चन ने एक और सवाल पूछा कि अगर फील्डिंग करते वक्त आपसे कोई कैच छूट जाए तो क्या होगा। इस पर सहवाग ने हंसते हुए कहा कि अगर कोच ग्रेग चैपल हो तो मैं यही कहूंगा कि अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे आली। सहवाग ने ये गाना गाते हुए सौरव गांगुली की ओर इशारा किया। आपको बता दें दोस्तों कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कोच ग्रेग चैपल और सौरव गांगुली के बीच का विवाद बहुत लंबे समय तक देखने को मिला था। ग्रेग चैपल को भारतीय क्रिकेट इतिहास में एक बुरे साए की तरह माना जाता है। उनके कोच बनाए जाने के बाद टीम में काफी बदलाव देखने को मिले और 2007 के एक दिवसीय वर्ल्ड कप में तो टीम उनकी कोचिंग में बुरी तरह से हार कर पहले ही दौर में टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का हमारा ये सेगमेंट, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल डीएनपी इंडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि समय समय पर आपको ऐसी ही और अमेजिंग स्टोरीज मिलती रहें।